Hello friends, for nice time. In previous video, I have explained syntax of preposition. But now in this video, I'd like to clear syntax of conjunction. I think that this chapter is very useful for you. Ek sentence ko I'd like to solve with number 22 in page number 155. मैं 155 पेज पर एक्सरसाइज नंबर 22 को हल करने का प्रयास करता हूँ। आप पुस्तक लेकर बैठे और ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 12th एंड 11th क्लासेस। आप इसको देखें, बहुत सारी गलतियाँ इसमें होती हैं। आपको लगता है सेंटेंस पूरा सही है लेकिन उसमें फिर माइंड मिस्टेक्स होती हैं, स्पेशली कंजक्शन की। और यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस इधर विगत वर्षों में सेंटेंस ऑफ कंजक्शन के सेंटेंस आए हैं, तो देखने का प्रयास करें। आपके पास जो पहला सेंटेंस है वह है वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल। तो सभी जानते हैं लेस्ट के बाद जो आपके वर्ब आएगा वो शुड आएगा, मे नहीं आएगा। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। दो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो यहाँ पर दो कंडीशन मिलती हैं। हम जब ट्रांसलेशन करने जाते हैं तो वहाँ पर येट का प्रयोग मिलता है, वैसे हम लोग को कामा लगा दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर कामा का प्रयोग करेंगे, बट का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। दो ही इज पुअर येट हॉनेस्ट। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अब ये अनलेस भी आपने लगाया, डू नॉट भी आपने लगाया, तो सब सब नहीं चलेगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, डू नॉट आपका हटेगा। नाइदर ही नॉर हिज फादर वेयर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर नाइदर ही नॉर हिज फादर, तो यहाँ पर वेयर का प्रयोग गलत है, वाज का प्रयोग होगा। वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स वेयर संक, गलत है। शिप डूबा है जहाँ यात्रियों के साथ में, तो द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स वाज संक। आई शैल लीव फॉर दिल्ली व्हेन माय फादर विल कम। तो यहाँ पर जो बनेगा आई शैल लीव फॉर दिल्ली व्हेन माय फादर कम्स होगा, क्योंकि हम जब कहते हैं जब मेरे पिताजी आएंगे तो मैं दिल्ली, तो ऐसा करके दोनों ही में बिल नहीं लगेगा। कंडीशन वाली क्लास हमारी जो होती है प्रेजेंट डिफरेंट में होती है। आई रिगार्ड हिम एज फ्रेंड होगा। आई डाउट के बाद कभी डैट नहीं आएगा। आई डाउट वेदर इफ या वेदर आएगा। आई डाउट इफ ही विल कम, वेदर ही विल कम, दोनों सही है। आई मूव स्लोली लेस्ट आई शुड नॉट गेट टायर्ड। तो कभी भी लेस्ट के बाद शुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। आई मूव स्लोली लेस्ट आई शुड गेट टायर्ड। योर सिस्टर टॉक्स एज इफ सी इज मैड। इमेजिन हो रही है यहाँ पर आपकी बहन ऐसी बात जैसे कि पागल हो। तो यहाँ पर योर सिस्टर टॉक्स एज इफ सी वेयर मैड। डू सो यू लाइक, डू एज यू लाइक का प्रयोग होगा। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास होगा। वर्क हार्ड अनलेस यू वॉन्ट टू पास, तो वर्क हार्ड इफ यू वॉन्ट टू पास होगा। 10 years passed when I left the government service. तो 10 years passed when I left the government service. तो यहाँ पर हम when की जगह तो since करेंगे, पर यहाँ पर past और present perfect और past का combination चलेगा। तो 10 years have passed, यहाँ पर ये जरूर ठीक करना पड़ेगा। 10 years have passed since I left the government service. Look after you leap, कॉमन सेंस की बात है। देखो इसके पहले कूदने से पहले, तो यहाँ पर आप जिस बिफोर होगा लुक बिफोर यू लीप। ही आस्क्ड मी, यहाँ पर दैट सुपरफ्लस है, अनावश्यक है, कोई मतलब नहीं है। ही आस्क्ड मी व्हाई दे हैड गॉन देयर। और अगला सेंटेंस है, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स यू इफ यू विल गो टू हिम। ही हेल्प्स यू इफ यू विल गो टू हिम। तो यहाँ पर जो बनेगा ही विल हेल्प यू, यहाँ पर बिल के इधर उधर उसने किया है। ही विल हेल्प यू इफ यू गो टू हिम, ही विल हेल्प यू आपको मदद करेगा इफ यू गो टू हिम, क्योंकि कंडीशन वाली क्लास में हम प्रेजेंट फिर बनाएंगे। ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो देयर। ही केम आफ्टर आई लेफ्ट, तो ही केम आफ्टर आई लेफ्ट ये बिल्कुल गलत है, आपने पास्ट परफेक्ट को पढ़ के आए होंगे। तो आई ही हैड कम, सॉरी ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर वाली क्लास में फर्स्ट क्लास विल बी इन फर्स्ट इन्फिनिट एंड सेकेंड क्लास विल बी इन फर्स्ट परफेक्ट। तो ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट। ही एज वेल एज यू आर टायर्ड ऑफ द होल अफेयर। तो यहाँ पर ही एज वेल एज यू,
यहाँ पर इज का प्रयोग होगा क्योंकि आप सभी जानते हैं एज वेल एज वाले जो कंजंक्शन है उसके पहले सब्जेक्ट सर्व रहेगी, इज टायर्ड होगा ना कि आर टायर्ड ऑफ द होल अफेयर। वेट हियर टिल आई विल रिटर्न, तो यहाँ पर वेट हियर फ्यूचर नहीं बनेगा, प्रेजेंट बनेगा। वेट हियर टिल आई रिटर्न, ही कॉल्ड मी ए फूल, ही कॉल्ड मी एज ए फूल, इसका प्रयोग सुपरफ्लुअस से कोई मतलब नहीं है। ही कॉल्ड मी ए फूल, एज ही इज टायर्ड, एज ही इज टायर्ड सो ही विल नॉट कम, तो एज ही इज टायर्ड कामा, यहाँ पर कोई कंजक्शन आपने कामा पहले से लगा रखा है तो कोई कंजक्शन जरूरत है नहीं। ही इज टायर्ड कामा ही विल नॉट कम। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्डर, तो यहाँ पर आप अनलेस लगाया विल नॉट भी लगाया तो दोनों साथ एक नहीं चलेगा। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्डर। ही नाइदर ऑफेंडेड हिम नॉर हिज ब्रदर, तो ये बनेगा, यह आपका जो सेंटेंस बनेगा, ही नाइदर ऑफेंडेड हिम नॉर हिज ब्रदर, ही ऑफेंडेड नाइदर हिम नॉर हिज ब्रदर, ध्यान से देखें सेंटेंस को, ही ऑफेंडेड नाइदर हिम नॉर हिज ब्रदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इफ ही विल कम हियर आई सेल हेल्प हिम, इफ ही कम्स हियर आई सेल हेल्प हिम होगा। नो सुनर, अब नो सुनर के बाद आपने सीधे बीरेली कर दिया है, नो सुनर बीरेली ट्राई देन बी हैव पास सक्सीड, तो जब कभी नो सुनर आता तो हम हेल्पिंग पर जरूर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर रेली ट्राई का हम अर्थात प्रेजेंट में है, तो नो सुनर डिड बी रेली ट्राई देन बी हैव होप सक्सीडेड, ऐसा कुछ करके बताई। वॉक स्लोली लेस्ट यू में, तो बिल्कुल नहीं होगा, वॉक लेस्ट यू शुड फॉल, नॉट भी हटेगा। नो सुनर, फिर वही गलती इसने की, नो सुनर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, तो नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। हिज आंसर वाज सच आई एक्सपेक्टेड, सच दैट आई एक्सपेक्टेड, तो हिज आंसर वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड। और अगला जो है, आई नाइदर वॉन्ट टू टेक नार गिव, आई नाइदर वॉन्ट टू टेक नार गिव, तो ये बनने वाला है I want neither to take nor give, ये आपका सेंटेंस बनेगा। ही नॉट ओनली बिल्ट ए हाउस बट ए गैरेज आल्सो, पूरी तरह से गलत है ये सेंटेंस। ही नॉट ओनली बिल्ट ए हाउस, तो ही भी जो बनने वाला है, ही बिल्ट नॉट ओनली हाउस, ध्यान से बनाएंगे, ही बिल्ट नॉट ओनली हाउस बट ऑल्सो ए गैरेज, इस पूरा सेंटेंस डिस्टर्ब था, ठीक से देखें इसको। ही बिल्ट नॉट ओनली हाउस बट ऑल्सो ए गैरेज। अनलेस, अगला है 33, अनलेस यू डो नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। नाइदर ही इज रफ नॉर ए बैड मैन, तो ये बनेगा, ही इज नाइदर ए रॉग बैड, रॉग बेकार के व्यक्ति, ही इज नाइदर रॉग नॉर ए बैड मैन बनेगा। फिर से देख लें, नाइदर ही इज रग नॉर ए बैड मैन, तो ही इज नाइदर ए रग मैन, रग नॉर ए बैड मैन होगा। वॉक केयरफुल लेस्ट यू डू नॉट फॉल, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल होगा। आई हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज विथ माई ग्रेट एफर्ट, आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड आई ऑल्सो होप दैट यू विल लाइक माई एफर्ट। यदि आप मेरे इस प्रयास को पसंद करते हैं, मैंने एक एक सेंटेंस को हल करने का प्रयास किया है, यदि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है, किसी भी एक्सरसाइज को हल करना देखना चाहता है, तो आप कमेंट करिए, कमेंट जरूर करें, आपको समझ में आएगा। पुस्तक लेकर बैठें, स्पीड में पढ़ें, इंग्लिश स्पीड में पढ़ी जाती है, इंग्लिश रुक रुक कर ही पढ़ी जाती है, आप कहीं भी अंग्रेजी बात करते हो, कुछ भी करते हो, एंड यू कैन नॉट श्योर योर स्पीड, इट मीन्स इट दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप हिंदी बात करते हो, रुक रुक के बात करते हैं, तो रुक रुक करके हिंदी भी नहीं बोली जाती है। आप अच्छे से प्रयास करें, ठीक से बोलें। यदि आपने मेरा वीडियो पसंद किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, दैट्स ऑल। प्लीज़ कमेंट जरूर करें, समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपका जो लेवल पढ़ाने का वो बहुत हाई लेवल है और बहुत हाई लेवल बच्चे इसे फॉलो कर सकता है, तो मैं बता दूँ उस बच्चे को जिसने भी कमेंट किया है कि कभी लेवल हाई नहीं होता ना तो लो होता है, हम उस लेवल को बनाते हैं वही बन जाता है, और अब हमेशा अपने लेवल को हमें हाई करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू बी परफेक्ट ओवर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू बी परफेक्ट
एंड फाइनली नोबडी कैन बी परफेक्ट। और बाद में भी मैंने कहा कि कोई पूरा हो भी नहीं सकता, लेकिन प्रयास करने में क्या है, दैट्स ऑल फॉर द स्पिरिट।